चलो फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो समय आ गया। सुपर हिट्स 93.5 एफएम पर। निधि निधि नंबर वन निधि निधि नंबर वन निधि निधि नंबर वन मॉर्निंग नंबर वन। बिल्कुल मॉर्निंग नंबर वन आज सुपर डुपर स्पेशल है बिकॉज यहाँ पर पुलहातू के लाइब्रेरी मैन हमारे साथ में है। हाय निधि, मैं संजय कच्छप, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर वन रेड एफएम पर, बजाते रहो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो सर मेरा सबसे ही पहला सवाल है आपसे, वो ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ में होता है और तभी हम लोगों को लगता है ना कि नहीं कुछ तो अब करना जरूरी है। तो ऐसा वो क्या इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ जो आप यू नो चाईबासा के पुलहातू के लाइब्रेरी मैन कहलाने लग गए? बिल्कुल आपने सही कहा, जब जीवन में आप कुछ लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हम अपने लक्ष्य के प्रति काफी गंभीर हो जाते हैं और उसको हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर छोटी मोटी चीज या कोई कारण से अगर वो चीज लक्ष्य हासिल नहीं होता है तो वो एक जो है एक घटना के रूप में चिन्हित हो जाता है। तो मैंने भी उस समय जो है स्ट्रगल के दौरान ये तय किया था कि जब भी मैं सक्षम बनूंगा तो जो जो तकलीफें मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आई थी स्टूडेंट काल में, किताबें नहीं मिल रही थी, पढ़ने का माहौल नहीं था, गाइडेंस नहीं था, तो मैं आने वाले जो हमारे आसपास के बच्चे या युवा हैं उनको इस तरह का कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े ये सोच के साथ जो है हम लोगों ने अपने मित्रों के साथ मिल करके पुस्तकालय की स्थापना की। साथ ही उस समय हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग अच्छी अच्छी किताबें खरीद सके और आसपास ऐसे लोग नहीं थे जो हमें मार्गदर्शन कर सके और माहौल भी जो है बहुत सकारात्मक नहीं था उस समय तत्काल में। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही थी, उसको अपने लक्ष्य से भटका रही थी या फिर उनको लक्ष्य देने में असक्षम। तो हम लोगों ने ये सभी चीजों का जो है समाधान के लिए जो है इसका प्रयास मिल करके किया। ऑलराइट, ढेर सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं, तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना, चिपक के रहो सुपर इट्स 93.5 एफएम, बजाते रहो। ऑलराइट, बढ़िया वाले गाने तो आप यहाँ पर एंजॉय कर ही रहे, लेकिन इसी के साथ साथ आज सुपर डुपर स्पेशल हो गया दिन बिकॉज हमारे साथ में है चाईबासा के पुलहातू के लाइब्रेरी मैन मतलब की संजय कश्यप जी सुपर हिट्स 93.5 एफएम पर। मॉर्निंग नंबर वन। बिल्कुल मॉर्निंग नंबर वन चल रहा है निधि के साथ में और एक दो नहीं आपने 40 लाइब्रेरीज खोली है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर एंड मतलब कहीं ना कहीं मैं ये चीज महसूस अभी कर पा रही हूँ बिकॉज क्या है ना, हम लोग अपनी जिंदगी के ही जद्दोजहद में इतना फंसे रह जाते हैं कि जो हम यू नो कार्य करने के लिए सोचे थे कई बार वो टलता जाता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपने इस मोटिव को हमेशा ध्यान में रखा और इतनी सारी लाइब्रेरीज बच्चों के लिए अवेलेबल करवाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको सराहा है और मन की बात में भी आपकी बात हुई है, तो कैसा लग रहा था? मतलब आपके दोस्तों ने सुना होगा, आपने सुना होगा, क्या क्या रिएक्शंस आपको मिले? मैं बहुत डेडिकेटेड था इस अभियान को लेकर के, बच्चों को पढ़ाना, उनको मार्गदर्शन करना अब मेरा पैशन बन गया है। लेकिन बहुत सारे मेरे युवा साथी है जो पार्ट टाइमर मुझे सहयोग करते थे, रेगुलर भी करते थे, मुझे ये खुशी है कि उन लोगों का मनोबल और हौसला बढ़ा है और सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जो है इस मुहिम के पार्ट बने हैं। तो अभी जिस तरह से मैं डेडिकेटेड होकर काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संबोधन में जो नाम लिया गया काम के बारे में, तो ये निश्चित रूप से मेरी पूरी टीम को जो है बहुत फायदा हुआ है। और भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर काम करना बाकी है, इस मन की बात के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से भी युवा साथी बड़ी संख्या में जो है आगे बढ़ेंगे और समाज की जो जो कमियां हैं समाज में, शिक्षा का जो अभाव है, अंधकार है, उसको दूर करने में निश्चित रूप से वो और जुड़ेंगे और मदद करेंगे। बिल्कुल, जानेंगे और भी कई सारी बातें संजय कश्यप जी जो कि लाइब्रेरी मैन कहलाए जाते हैं इनसे, लेकिन तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, एकदम चिपक के रहो सुपर इट्स 93.5 एफएम बजाते।